सारी दुआएं दी और आप सब बहुत परेशान भी हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी दुआएं दी। और उसके बाद आप सब लोग बहुत बेचैन हैं, वक्त नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप सबसे इतना इंटरेक्ट कर सकूं, तो मैं एक क्विक अपडेट देता हूं आपको अभी इस वक्त पापा की सिचुएशन कैसी है। दीपिका काकर्स फादर इन लॉ हु हैड सफर्ड अ ब्रेन स्ट्रोक इज स्टिल इन द आईसीयू। दीपिका'स हस्बैंड शोएब, हु इज आल्सो अ टीवी एक्टर, शेयर्ड हिज फादर्स अपडेट लास्ट नाइट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड रिवील्ड हिज वेन्स हैव नॉट सफर्ड मच एंड डॉक्टर्स हैव आस्क्ड देम नॉट टू वरी मच। Shoaib further continued in long video that his father's left side is slightly paralyzed. Next 72 hours is crucial as he might not get another stroke and we need prayers from all of you. Shoaib Ibrahim also mentioned that his father earlier had suffered from brain hemorrhage earlier and he was undergoing treatment for the same. He also said that due to a few medication side effects, a small clot is there inside the brain. Shoaib revealed that his wife Deepika and a few friends are staying together near the hospital in a hotel as their house is far from the medical center. Earlier, Deepika had shared the message that read, "Need your prayers and strength once again. Papa has had a brain stroke today morning and is in the ICU presently. Please, please, aap sab dua kijiye." Apart from being actors, Deepika and Shoaib are also popular YouTubers. They share their vlog videos and bonding with their father and also include him in his videos. Fans of the couple are praying for the speedy recovery of the Sasural Simar Ka actor's father-in-law. We wish for Shoaib and Deepika's father's speedy recovery. Hi guys, जैसे कि कल मैंने आप सबको बताया अपनी इंस्टा स्टोरी में कि पापा को स्ट्रोक आया है, पापा को स्ट्रोक आया है, तो उसके बाद आप सब ने बहुत सारी दुआएं दी और आप सब बहुत परेशान भी हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी दुआएं दी। और उसके बाद आप सब लोग बहुत बेचैन हैं, वक्त नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप सबसे इतना इंटरेक्ट कर सकूं, तो मैं एक क्विक अपडेट देता हूं आपको अभी इस वक्त पापा की सिचुएशन कैसी है। यस, पापा अभी आईसीयू में हैं और उनको स्ट्रोक आया है, बट अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा उनके वेन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि इतना डरने वाली बात नहीं है, बट यस, स्ट्रोक आने के बाद अगले जो नेक्स्ट 72 आवर्स होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं कि वापस से री स्ट्रोक ना आए। इस वजह से उन पेशेंट को जिनको स्ट्रोक आता है उनको आईसीयू में रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। तो पापा अभी आई थिंक कल शाम तक या मोस्ट प्रॉब्ली या परसों भी शायद वो आईसीयू में रहेंगे। बीपी वगैरह भी अलग के क्रम से सब स्टेबल है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इस बार पापा को पहले भी 2000 के वो रिकवर कर गए थे, उसके बाद से उनका सारा ट्रीटमेंट चल रहा था जो आप बोलते थे कि पापा को वीक क्यों लगते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका वो कहीं ना कहीं मेडिकेशन का वो साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इस बार पापा को क्लॉटिंग हुई है ब्रेन में, लेकिन क्लॉटिंग बहुत छोटी है, लेकिन उसका प्लेसमेंट ऐसा है कि उस वजह से पापा को लेफ़्ट साइड जो है वो थोड़ा सा नहीं, मतलब हाँ, पैरालाइज हो गया है, उनका हाथ और पैर इतना मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इस बार है। और थोड़ा हल्का सा फेस भी, मतलब जब वो बात करते हैं स्पीच में, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ, यस, थोड़ा सा है। तो ये चीज़ें हैं कि इस बार थोड़ा सा वो है, मतलब, और ज़्यादा पापा से मैं मिल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पापा अभी आईसीयू में हैं, तो इतना ज़्यादा अलाव भी नहीं करते हैं, तो वहीं रहता हूँ, हॉस्पिटल में रहता हूँ। तो सुबह एक बार पापा को शक्ल दिखाता हूँ, शाम को उनसे मिल के आता हूँ, एक बार ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो यस, बस यही है कि दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा, पापा आईसीयू से बाहर आ जाए, नॉर्मल में हो जाए, उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट जो है फिजियो का है या बाकी सारा मेडिकेशन है वो चीज़ चलती रहेगी। और पापा थोड़ा सा वीक वैसे ही हैं, उनका जब से 6-7 साल से, जब से उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था तब से वो थोड़ा सा वीक वैसे ही हैं, फिर अभी उनकी स्पाइन की सर्जरी भी हुई, ये भी है। तो बस दुआ कीजिएगा कि वो स्ट्रांग रहें। और लेकिन ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ होती है अल्लाह की रजामंदी से होती है, तो इंशाल्लाह ये वक्त है, ये भी पापा ये वक्त है, इंशाल्लाह ये भी बीत जाएगा और पापा स्ट्रांगली फिर से वापस जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो और बस मैं अभी एक्चुअली, हम आप सबको पता है कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, तो अभी मीनवाइल उसके लिए मैं दीपिका अभिषेक वगैरह सब साथ में ही है रुकते हैं, तो अभी एक हमने होटल बुक कर रखा है तो हम लोग वहीं हैं ताकि हमारा ट्रैवलिंग का टाइम वहाँ पे बच सके। तो अभी बस अब जस्ट मैं खाना खाने के लिए यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा मैं आप सबको अपडेट दे देता हूँ क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो बस ये है, दुआ कीजिएगा गाइस के सब अच्छा हो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट जो है फिजियो का है या बाकी सारा मेडिकेशन है वो चीज़ चलती रहेगी। और पापा थोड़ा सा वीक वैसे ही हैं, उनका जब से 6-7 साल से, जब से उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था तब से वो थोड़ा सा वीक वैसे ही हैं, फिर अभी उनकी स्पाइन की सर्जरी भी हुई थी, फिर अभी जैसे थे वैसे हो जाएंगे।
तो और बस मैं अभी एक्चुअली हम आप सबको पता है कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, तो अभी मीनवाइल उसके लिए हम मैं दीपिका अभिषेक वगैरह सब साथ में ही है रुकते हैं, तो अभी एक हमने होटल बुक कर रखा है तो हम लोग वहीं रहते हैं, तो वहीं रहता हूँ, हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो सुबह एक बार पापा को शक्ल दिखाता हूँ, शाम को उनसे मिल के आता हूँ, एक बार ज़्यादा नहीं हो पाता है तो यस, बस यही है कि दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा कि मतलब जब वो बात करते हैं स्पीच में, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ यस थोड़ा सा है, तो ये चीज़ें हैं कि इस बार थोड़ा सा वो है मतलब, और ज़्यादा पापा से मैं मिल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पापा भी आईसीयू में है तो इतना ज़्यादा अलाव भी नहीं। क्लॉटिंग बहुत छोटी है लेकिन उसका प्लेसमेंट ऐसा है कि उस वजह से पापा को लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा सा नहीं मतलब हाँ पैरालाइज हो गया है, उनका हाथ और पैर इतना मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इस बार है, और थोड़ा हल्का सा फेस दम के वो रिकवर कर गए थे, उसके बाद से उनका सारा ट्रीटमेंट चल रहा था जो आप बोलते थे कि पापा को वीक क्यों लगते हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका वो कहीं ना कहीं मेडिकेशन का वो साइड इफेक्ट भी होता है। इस बार पापा को क्लॉटिंग हुई है ब्रेन में, लेकिन आई थिंक कल शाम तक या मोस्ट प्रोबेबली या परसों भी शायद वो आईसीयू में रहेंगे, बीपी वगैरह भी अल्लाह के करम से सब स्टेबल है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस बार पापा को पहले भी 2000, तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि इतना डरने वाली बात नहीं है, बट यस स्ट्रोक आने के बाद अगले जो नेक्स्ट 72 आवर्स होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं कि वापस से री स्ट्रोक ना आए, इस वजह से उन पेशेंट को जिनको स्ट्रोक आता है उनको आईसीयू में रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, तो पापा तब वक्त नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप सबसे इतना इंटरेक्ट कर सकूं, तो मैं एक क्विक अपडेट देता हूं आपको अभी इस वक्त पापा की सिचुएशन कैसी है। यस पापा अभी आईसीयू में हैं और उनको स्ट्रोक आया है, बट अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा उनके वेन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है।